ताकि तब भी आप पेड़ लगाएंगे इसके ऊपर छोटा सा। यार तुम लग रहा तुम्हें ना भाई बढ़िया है। रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन अभी क्या है कि पैंथर ना जा रहा है। तो भाई सुबह हो गई है अभी करीब 6:30 का टाइम है। मौसम भी ठीक अच्छा खासा है, कोई खास धूप भी नहीं है और मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। थोड़ा सा अपसेट सा था क्योंकि 2 तो बज ही गए थे मुझे ऑलमोस्ट, और फिर मैंने खाना वाना खाया 2 के बाद में और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तो अभी चलते हैं उस बर्ड को लेके नीचे आके दबाते हैं। तो गाइस मैंने सभी को फीडिंग करा दी है और ये रहा हमारा वो प्यारा बर्ड। अभी इसको चलते हैं मिट्टी में दबाने के लिए। तब भी आप पेड़ लगाएंगे इसके ऊपर छोटा सा। शिट यार और ड्रोगो देखो, गाइस ड्रोगो भी दुखी हो रहा है मेरा। इससे जस्ट टेंपरेरी लग रहा है, अभी टेंपरेरी है, मांग रहेगा। शाम में एक पौधा लगा दूंगा इस पे मैं। गाइस ये दोनों भाई मिल गए थे, उन्होंने मेरा गड्ढा खुदवाने में हेल्प करी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों का। तो गाइस अभी हमने उसको बेचारे को जमीन में दबा दिया है, अब अच्छी जगह होगा वो, ये प्रे करते हैं। अभी चलता हूँ मैं, अपने बाल कटाने के लिए जाना है। फिर आपको एक बात और बतानी है, पहले मैं सोचा था अभी नहीं बता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कभी ना कभी तो बतानी ही है। तो चलो पहले बाल कटाते हैं, वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। भाई अभी आ गए हम भैया के यहाँ बाल कटाने के लिए। हेलो, बाल कटाते हैं फिर मिलते हैं भाई घर पर। तो भाई इसको ना भैया ने अप्रोड दे दिया और ये आराम से इसमें लगा पड़ा है। और ये जब बाहर से पीछे से चारों तरफ से सब लोग देखने आ रहे, पूछ रहे हैं भैया क्या है ये, तो वो भीड़ लगा ली लोगों ने। भाई देखो ये इनके ऊपर चढ़ गया भाई के ऊपर। क्या भाई डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? ना भाई बढ़िया है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, डर लग गया डर। आया ड्रोग आ जा, जल जल निकल लिया, बहुत हो गया। काट नहीं रहा था वैसे भाई, डरा रहा था ये। डरा भी नहीं रहा था, तुमने हाथ लगाया ना, मैंने क्या क्या गलती मत करना हाथ लगाने की, मेरे अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देता ये। हेलो दोबारा आना है क्या भाई इसके लेके? हाँ सर हाँ दोबारा आना है, क्यों नहीं आना भाई का मन लग गया तुम्हारा। तो भाई चलो बाल कट गए मेरे, अभी चलते हैं घर। सो गाइस मैं हेयर कट कराने के बाद मैं घर आया, फिर उसके बाद नहा धोया और उसके बाद मैंने आपको बताना था एक और क्या कहें कोई सैड मोमेंट। आज पूरी वीडियो सारी ऐसी ही चली है, मैं आपको दिखाता हूँ। और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, मुझे लगा था, मुझे कल ही पता चल गया था वैसे, मुझे था कि आपको बताऊंगा मैं या अभी नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ होनी है वो होनी है। अभी दिखा देते हैं, देखो अपना पैंथर कैसे मस्ती में पड़ा है। आओ अंदर, अरे अंदर चलो, खड़ो हो जा ले ले, अंदर जा अंदर जा। भाई जैसे आप सभी जानते हो हमारे पैंथर को, कल मैंने इसकी साइज कंपेरिजन भी दिखाया था, देखो चढ़ जाता है मेरे ऊपर, खड़ा होता है। आए पैंथर आ जा, अरे मेरे बच्चा बैठ जा, आओ भाई। अभी पता है क्या है पैंथर के साथ में, ये देखो कितना प्यार करता हूँ ऐसे करके। लेकिन अभी क्या है कि पैंथर ना जा रहा है, क्योंकि पैंथर ना मेरा डॉग नहीं था, मेरा डॉग है वो लीली, पैंथर मेरा डॉग नहीं था। पैंथर है मेरे एक दोस्त का डॉग था, जब उसने ये ख़रीदा था तो उसको उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, और उसने मुझे पालने के लिए दे दिया था उस टाइम पर वो अब वापस आ रहा है और उसको वापस चाहिए उसका डॉग। उसने पाला है एक डेढ़ महीना पाला होगा उसने, उसके बाद पैंथर को मैंने ही पाला है। अभी ये 9 महीने का हो चुका है, अब इसके जाने पे मुझे बहुत सैड सैड वाला फीलिंग भी आ रहा है। आ ले लिया, अभी खोल दूंगा, 2 मिनट रुक जा बेटा, तो मैं खोल दूंगा। आए पैंथर आ पैंथर, अभी देखो ठीक देखो कैसे चढ़ता है ये पूरा सांड आदमी है, बड़ा हो जाता है पूरा, ये देखो। लेकिन अभी ये बेचारा हमारा पैंथर जा रहा है, अभी तो इसको भी नहीं मालूम ये जा रहा है, इसको नहीं पता ये जा रहा है अब। लेकिन उसी का डॉग है ये, मैंने पाला था उसके कहने पर, ठीक है मैंने उसको ये भी बोला था हाँ ठीक है मैं पाल लेता हूँ जब तक तुम नहीं आते वापस, और अब वो वापस आ रहा है और तो उसको डॉग उसका वापस जाएगा। ऐसा नहीं है उसने नहीं करी, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे बेचारे के, तो वो नहीं पाल सकता था, और उसका घर बहुत दूर है यहाँ से दिल्ली से, वो भी यहाँ अकेला ही रहता है, और अब वो वापस आ रहा है तो उसको पालना है वापस से, है ना। मैं अंदर आज ना बहुत सैड सैड मोमेंट रहे हैं मेरे पूरे दिन,
थोड़ा बहुत हंसी मसी के हुए थे जब हम बाल कटाने गए थे, थोड़ा बहुत ड्रोगो की वजह से हंसी आ गई थी सबके चेहरे पे। पर कुछ ही दिनों में, अभी तो नहीं जा रहा है पैंथर, लेकिन अगले कुछ दिनों में चला जाएगा। गाइस आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। आज मैं पैंथर के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा खेलूँगा क्योंकि मुश्किल से ये पाँच सात दिन के बाद चला जाएगा, और जितने दिन है ये उसको उसकी फेवरेट चीज़ बना बना के खिलाऊँगा, फेवरेट चीज़ ला ला के खिलाऊँगा। तो अगले 5-7 दिन में पैंथर का बहुत ख्याल रखने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा खेलने भी वाला हूँ। तो अभी मैं यही ख़त्म करता हूँ आज का व्लॉग, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस बाय।